खाना है यार, बहुत ज़्यादा तेज भूख लगा है मुझे। और बिहार में लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस होता है। तो उत्तर प्रदेश परिवहन के वजह से इन्होंने टिकट नहीं दिया है मुझे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम दीप चौधरी और आप देख रहे हैं दिलीप यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को। तो फाइनली दोस्तों मैं देवरिया में भी हूँ और देवरिया कुछ काम से आया था और मैं अभी देवरिया से अपने यहाँ भटनी जा रहा हूँ और भटनी जाना है, देखते हैं क्या मिलती है मुझे। और फॉर आप लोग देख सकते हो पूरी देवरिया की मार्केट खुली हुई है और आज है मंडे और अभी 2:55 हो रहा है। लग रहा है ऐसा कि बारिश भी होगा, जो बारिश होने वाली है लगता है, और एक एक बूंद बारिश की पड़ भी रही है। और नॉइस देखने को लिए तो बहुत मिल रहा होगा आपको, और नॉइस का तो बात किया नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी तरह से। और पहले तो मुझे कुछ खाना है और मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसे जगह रुकूँ जहाँ पर दोस्तों कुछ खाने का अच्छा चीज़ मिल जाए मुझे। और जैसे यदि बात करें ब्लॉगिंग का भाई ना, सड़कों पर यदि ब्लॉगिंग करते हो ना तो उसका एक मुख्य रीज़न ये है ना कि लोग यहाँ पर बहुत देखते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है और फ़ोनों से क्या कर रहा है, फ़ोन से। तो ये चीज़ का आप लोग को डिफाइन करना पड़ेगा और इस तरह का ब्लॉगिंग आप लोग को करना ही पड़ेगा। जैसे कि पब्लिक ब्लॉगिंग बहुत ही टफ होता है, बट उतना भी टफ नहीं होता है जितना सोचा जाता है। कुछ खाना है यार, बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगा है मुझे और मैं सोच रहा हूँ कि क्या लूँ क्योंकि एकदम बुझा रहा है, सर दर्द करने लगेगा ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ये भाई बोल रहा है कुल्फी बेच रहा है। कहो भाई कुल्फी बेच रहा है? हाँ भैया। हाँ तो सही, तो ये भी है देख सकते हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और साल में बारिश आता है तो कहा तो बिक्री डाउन हो जाइयो। कहा करो यही में चले जाए, कौन हो कौन देखे। अरे तब का एकदम यही तो मैंने बोला है कि जो काम कर रहे हैं उसे काम यार बहुत अच्छे से करो। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ब्लॉगिंग अच्छे से करेंगे। भाई बेच रहा है कुल्फी तो काफ़ी अच्छे से कुल्फी अपना बेचे। और कितना कमा ले रहा हो भाई? 1000। तो देख सकते हो दिन के 1000 रुपया कमा लेता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ बारिश हो गया देखने को कमा रहे हैं। हाँ तो वो तो है, अब देखो बात सही है भाई। लिट्टी चोखा कौन रुपया दे रहे हैं? 30 रुपये। 30 रुपये प्लेट। तो एक चीज़ और भी बता देते हैं कि देवरिया या यूपी और बिहार में लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस होता है, जो चीज़ की आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिट्टी चोखा 30 रुपये प्लेट है। और भाई लिट्टी को देवा हो इन्हें, लिट्टिया को देवा 30 रुपये में। तो 5 गो लिट्टी मिलेगा और चोखा मिलेगा, तो सोच रहा हूँ खा लूँ मैं भी क्योंकि बहुत ज़्यादा यार देर से चल रहा हूँ और सुबह का खाना खाकर निकला था। तो चलिए लिट्टी चोखा खाते हैं। देख सकते हो चोखा और लिट्टी यार, खाने के बाद इस दुकान से मैंने खाया है और लिट्टी 5 टुकड़े दिया था जिसे हम लोग भौरी बोलते हैं और इतनी छोटी छोटी थी, 5 टुकड़े दिया था। और साथ में चिकन यदि लेते तो 60 रुपये लेता और यदि आपने चोखा लेकर खाया है तो 30 रुपये। तो मैंने तो चोखे लेकर ही खाया हूँ और अभी अपना बस पकड़ते हैं और निकलते हैं। बस गवर्नमेंट बस है और इस बस में देख सकते हो उत्तर प्रदेश परिवहन और इसी बस से चलते हैं। तो बस कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट बस है और इस गाड़ी में कुछ सामान लोड है वही उतारी जा रही है और
ये हमारे यहाँ जैसे कि गोरखपुर से सलेमपुर की ये बस चलती है। कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई उत्तर प्रदेश सरकार की ये बस है दोस्तों, और जो कि मैं आप लोग को एक बात सजेस्ट देना चाहता हूँ, यदि बहुत सारे बस जो कंडक्टर होते हैं, मेरे से तो पैसा मैंने दे दिया, उसके बाद से इन्होंने टिकट नहीं दिया है मुझे, और टिकट जब मैंने देखा तो इन्होंने टिकट नहीं दिया, उसके बाद से मैंने इनसे पूछा टिकट तो कह रहे हैं कि आप उतर जाइएगा जहाँ उतरना है। बट एक बात आप लोग को मैं बता देता हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट आप बस में बैठते हैं तो अपना टिकट ज़रूर लीजिएगा, और ये टिकट तो ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट का टिकट होता है, और यहाँ पर जो कंडक्टर होते हैं लोग, ये जो पैसा होता है 20 रुपये 30 रुपये एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, काफ़ी बार स्टूडेंट देख कर उनसे कहते हैं कि पैसा तो नहीं देते हैं बट टिकट नहीं देते हैं, जो वो पैसा रहेगा इन लोग के जेब में जाएगा, गवर्नमेंट सरकार को नहीं जाएगी। तो टिकट लोगे तो सारा इन लोगों का बिल वहाँ पर देना पड़ता है, और इन लोगों को गवर्नमेंट पैसा देती है। तो वो थोड़ी सी मेरी बोल छोल हो गई थी उनसे, और उसके बाद से उन्होंने मुझे टिकट काट कर दिया, और उसके बाद से मैंने टिकट लेकर फाइनली अब चल रहा हूँ अपने विलेज की तरफ। और वैसे भी हमने तो बहुत ही पैदल चलता हूँ यार, और 5 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, पता नहीं कब तक पहुँचूँगा। और शाम के करीबन 4:05 हो गए हैं, और 4:05 हो गया, शायद 1 घंटा लग सकता है मुझे यदि पैदल जाएंगे। यदि सपोज मुझे लिफ्ट मिल गया तो मैं घर पहुंच जाऊंगा बहुत जल्द। हे जल विक्रला हाँ चलिए ठीक है, तो मात्र हमको लगता है 50 मीटर तक ले भाई के गाड़ी पर बैठ कर आया हूँ, 50 मीटर आप समझ सकते हो एकदम पास ही में है, पर एक गाड़ी मात्र 50 मीटर तक ले आकर हमको छोड़े। उसके बाद से मैंने वीडियो शूट ही कर रहा था, तब तक मेरा फ़ोन डाउन हो चुका था, और उसके बाद से डाउन हो गया मेरा फ़ोन, तो उसी टाइम एक बाइक वाले आए और उनको जाना था भटनी, तो वो भटनी हमारे ही रूट से जाने वाले थे, तो इसके लिए हमको एकदम अपने द्वार पर तक ले हमको लिफ्ट मिल गया, तो मैंने उनके बाइक पर बैठते हुए चले आए, और बहुत ही अच्छे इंसान थे, और वो उत्तर प्रदेश पुलिस में ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी, तो उन्होंने बताया अपने बारे में, जब कोई हिचाइकिंग या लिफ्ट मांगते हो यार तो वहाँ पर बातचीत बहुत कुछ होती है, और एक दूसरे को बारे में लोग जानते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी मुझे लगती है। हाँ कि उनके बारे में मैंने कुछ सुना और मैंने अपने बारे में कुछ बताया, तो इस तरह के बहुत ही बेस्ट रहता है, लोग एक्सपीरियंस से ही ज़्यादा कुछ सीखते हैं। तो वैसे ही था, अब मैं अभी घर पर ही हूँ, अपने पड़ोसी के घर हूँ, तो यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।